बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आगे भी इसी तरह अल्लाह ताला आप लोगों को सबको ठीक और खैरियत से रखें, इसी तरह आप लोग खुश रहें, मेरी वीडियो को भी देखते रहें, मुझे भी खुश रखें। तो साथ साथ सबसे पहले अब मैं कहूँगी आप लोगों को, प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को बेसिकली पसंद तो आएगी। मेहंदी जो ऐसा टॉपिक जो है, जो गर्ल्स एंड वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से वो उसको लेती हैं, यानी कि मेहंदी वेडिंग, चाहे वो ब्राइडल हो, चाहे आप खुद के घर में, अगर आप लोगों के घर में वेडिंग हो और आप लोगों ने मेहंदी लगवानी है, ईद त्यौहार इस तरह से अलग अलग, तो आप लोग आइडियाज़ इसमें से देख सकते हैं, जिसमें ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन, ब्राइडल बेल। अगर आप लोगों को ब्राइडल जो आजकल नहीं पसंद करती हैं कुछ ज़्यादा ही हैवी या फुल हैंड पर, तो आप लोग चाहें इस तरह से भी मेहंदी को बनवास लगा सकते हैं, जो एक खूबसूरत डिज़ाइन भी लगे और आप लोगों को पसंद भी आए। तो आप लोग जो है इसमें टिक्की स्टाइल, जो कि टिक्की स्टाइल, अब ये नहीं है कि हम लोग पहले गोल सी टिक्की बना देते थे या कुछ भी उसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग नहीं, अब तो आप लोग टिक्की डिज़ाइनिंग में भी, टिक्की स्टाइल भी इस तरह का देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे खूबसूरत स्टाइलिंग कि आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पसंद आएगा। इवन कि अब ब्राइडल भी उसे लगा सकती हैं, क्योंकि अब जो कि टिक्किया जो होती है वो भी ऐसी फुल अच्छे से बनी हुई होती है, उसका डिज़ाइन के इतना हैवी और इतना खूबसूरत फ्लावर लगता है वो, कि बहुत ही अच्छी सी लुक आ जाती है पूरे हैंड की, ऐसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी मेहंदी लग जाती है। और या अगर आप लोग पूरी बेल टाइप में भी, वो जो बिल्कुल बारीक बारीक सी जो मेहंदी पूरी नफीस सी और भरी भरी लगवाना चाहते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये कोई पहला ही डिज़ाइन या पहला ही स्टाइल नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसके अलावा भी मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक बहुत सारे मेहंदी डिज़ाइन शेयर किए हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल जो कि ईद मेहंदी डिज़ाइन या वेडिंग मेहंदी डिज़ाइन काफ़ी सारे शेयर किए हैं, जो कि गर्ल्स वहाँ से देख कर आप लोग पसंद कर कर लगवा सकती हैं, चाहे वो सैलून से लगवा रही हूँ, आप लोग खुद लगा रही हूँ या किसी से लगवा रही हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। आप लोग अपनी चॉइस से हर चीज़ एक चीज़ को मेंटेन या हर चीज़ एक परफेक्टली हर कोई चाहता है कि रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम लोग इतने ज़्यादा अब बिज़ी होते हैं कि, और ख़ास तौर पर अब जो कि ऑफिस या बिज़नेस वगैरह गर्ल्स जो वर्क करती हैं या घर में भी जो वर्क करती हैं हाउस वाइफ, वो उनके लिए घर का वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग इस तरह से आप अपने लिए नहीं टाइम निकाल पाती, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि अपने लिए टाइम निकाला करें, क्योंकि जब आप लोग अपने आप को ही मेंटेन नहीं रखेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को आप खोए नहीं, उसको अच्छे से एक तरह से अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर करें और लेकर आएँ अपने लिए, अपने लिए किसी के लिए नहीं, पर अपने लिए ही अपने आप को बेटर रखें और बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा अपने आप को फील करवाएं, हर चीज़ में अपनी केयर करें। लाजमी नहीं है, हाँ कुछ गर्ल्स कुछ वुमेंस नहीं अफोर्डेबल होती हैं, तो आप लोग लाजमी नहीं है जो अमीर है वो ही ऐसा से रहें, या गरीबों को कोई हक नहीं होता, तो गरीब भी चाहें तो अपनी आपको और अच्छे से सामने ला सकते हैं। मेहनत बहुत करते हैं वाकई, हर कोई अब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि आजकल का दौर ही इस तरह का है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें के सामने आती हैं, तो इस तरह से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अब आप लोग सोचोगे मैं मेहंदी के डिज़ाइन दिखा रही थी और कहाँ बात ले गई, लेकिन हाँ जो चीज़ें होती हैं तो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ ऐसी शेयर भी करती रहती हूँ, ज़रूरी नहीं है जो मैं टॉपिक लेके बैठी हुई हूँ बोल बोल के वही एक ही चीज़ रिपीट करूँ, वही एक चीज़, हम चाहें तो दूसरे एक तरह से लेकर जाके भी बात कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।